हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम पर्यावरण के विषय में जानेंगे। जो पर्यावरण के मुख्य विषय वस्तु है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में एक हिरण है, घर बना हुआ है, पहाड़ है, पेड़ है और नदी है, और ये बच्ची है, और इस तरह की चीज़ें हैं, आसमान है, सूर्य है। ये सब सभी चीज़ें जो है पर्यावरण में आती हैं। और पर्यावरण जो शब्द है, एनवायरनमेंट शब्द है, यह फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी फ्रांस का शब्द है, और इसका अर्थ होता है एनवायरनमेंट, इसका अर्थ होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी जो चीज़ हमको घेरती है, हमारा वातावरण है, उसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है। और वो आते होते हैं एयर, हवा, वाटर, पानी, लैंड, भूमि, सन, सूर्य, प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जानवर, ह्यूमन बीइंग, मानव। ये सब जो है हमारे पर्यावरण के हिस्से। अब हम वातावरण के प्रकार के बारे में जानेंगे। वातावरण यानी पर्यावरण, वातावरण तो एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन यहाँ पर सही शब्द होगा पर्यावरण। पर्यावरण का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कितने हैं। मूल रूप से एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, और ये भाग हैं एक प्राकृतिक और दूसरा मैन मेड, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। फिजिकल यानी प्राकृतिक, और सोशल एनवायरनमेंट यानी मैन मेड, जो आदमी बनाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स, पर्यावरण के जो तत्व हैं। एक है नेचुरल, नेचुरल में ऊपर देख रहे होंगे ये है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है पानी से बना हुआ है पर्यावरण, और धरती का 3/4 भाग, 3/4 ऑफ दिस लैंड इन द लैंड इज हाइड्रोस्फीयर। और यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और अलग अलग पोषक है, इससे मिलकर के एटमॉस्फेयर बनता है। और ये देखिए लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर इसको कहा जाता है जो स्थल है, स्थल से जो बना हुआ है उसको लिथोस्फीयर कहता है। अब देखिए बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर यानी जो जीव जंतु हैं हमारे चारों तरफ पर्यावरण में, वो बायोस्फीयर बनाते हैं। ये हमने बात किया नेचुरल एनवायरनमेंट की। अब चलते हैं मैन मेड यानी मनुष्य ने जो पर्यावरण बनाया है। जैसे ये देखिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज मैन मेड एनवायरनमेंट है। पार्क जो है मैन मेड एनवायरनमेंट है। दिस ब्रिज, जो पुल देख रहे हैं, मैन मेड एनवायरनमेंट से। अदर देन दिस मेनी थिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड, आर डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड बाई ह्यूमन बींग। दिस आर फॉर एग्जाम्पल रोड है, ये मैन मेड एनवायरनमेंट है। दिस इज मोनूमेंट्स। अब हम बात करते हैं, हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है दो तरह का है, एक बायोटिक है, एक अबायोटिक। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर के हमारे पर्यावरण को बनाते हैं, जैविक और अजैविक। इन फैक्टर्स में ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स को
ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, हरे भरे पौधे, वो सोलर एनर्जी, सूर्य से रोशनी पाते हैं और अपना खाना बनाते हैं। इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, यानी स्वपोषी होते हैं, अपना पोषण खुद कर लेते हैं। से जितने भी जीव जंतु हैं उनसे भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। जो अपना फूड जो है प्लांट से पाते हैं उनको कहा जाता है हर्बिवोर्स। फॉर एग्जांपल हिरन है, रैबिट है, काऊ है, एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हर्बिवोरस यानी जो प्लांट खाने वाले जीव हैं उनको खाते हैं। और दीज आर कॉल्ड कार्निवोर्स। फॉर एग्जांपल शेर है, चीता है, लोमड़ी है। कार्निवोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जैसे फ्रॉग को, मेंढक को खाता है, फिश को खाता है, हिरन को खाता है, स्नेक को खाता है। लास्ट में, आखिरी में सभी जो है मरते हैं और ऑर्गेनिज्म और भूमि जमीन में मिल जाते हैं। और इस तरह से पौधे इससे जो है लाइफ साइकिल चलता रहता है। टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरमेंट्स। इन नेचुरल एनवायरमेंट्स वी हैव सीन अ बायोटिक एंड अबायोटिक। इन बायोटिक वी फाउंड दोस जो लिविंग थिंग्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक है, बोथ आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल इन फूड चेन वी फाउंड दैट प्लांट्स आर रिटेन बाय सम एनिमल्स, दोज आर कॉल्ड हर्बिवोर्स। एंड हर्बिवोर्स एनिमल्स आर रिटेन बाय कार्निवोर्स एंड लॉस और डाइस एंड अगेन प्रोसेस स्टार्ट्स। सच लाइफ साइकिल रन्स फॉर ईच एवरी क्रिएचर्स। एंड वी फाइंड दैट देयर इज इंटरडिपेंडेंस। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।